इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स की प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलम दानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। कलम दान यानी कलम दान किस तरह से होता है? कलम रखने के लिए आप जानते हो ना कि ऐसे होता है, और फिर हम यहां पर इसमें पेन रखते हैं, एक पेन ये रखा, एक पेन ये रखा, एक पेन इस तरह से। इसमें आप देखो, इसमें ये दीवार, ये वक्र पृष्ठ होगा और आधार होगा साथ में, और ऐसे 35 कलमदान बनाए गए जाते हैं, तो कुल कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा? अच्छा, तो ये जो कलमदान है इसकी हाइट और इसका इसकी त्रिज्या दी है, तो इसकी जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है (10.5 सेंटीमीटर). तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। एक कलमदान का क्षेत्रफल, तो जो एक कलमदान है उसमें वक्र पृष्ठ होगा यानी 2πRh, और साथ में आधार भी है यानी πr². ठीक है, तो यहां पे हम सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो 2 × 22/7, आर है 3 और हाइट है 10.5, प्लस जो पाई है फिर इसे 22/7 और जो आर है वो 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3। समझ आ गया आपको एकदम क्लीन एंड क्लियर? अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो, 22/7 कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा यहां से 2। ये कैलकुलेट करने के तरीके हैं, आप चाहो तो सीधे कैलकुलेट डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहां से इनको बाहर ले लिया तो ये 3 अंदर बचा। अच्छा, 22/7 × 3 और ये हो जाएगा 10.5, 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये होता है 21, और 21 और 3 24 आ जाएगा, ठीक है, और ये सॉल्व करके आएगा 22 × 66 × 24, तो 4 × 6 = 24 तो 26, और 132, 4, 8, 5, 1, 1584/7। ये क्या है? ये एक कलमदान का क्षेत्रफल है, लेकिन कुल कितने कलमदान हैं? 35 हैं, तो 35 कलमदानों का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें 35 का गुणा कर देंगे, पांच, तो यह आ जाएगा 5 × 20, 5 × 40 (2 = 42), 4, 5 × 25 (29), 5 × 5 तो 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, देखो माय डियर, आई होप शायद आपको अगर प्रॉब्लम हुई होगी तो थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेट करने में हुई होगी, बट मुझे लगता नहीं कि ये भी इतना मुश्किल है। आप चाहो तो यहाँ पे ही कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे पाई आर कॉमन है, अंदर बचेगा क्या, 2h अंदर बचेगा और r अंदर बचेगा, तो अगर आप यहां से भी पाई आर कॉमन लेते हो तो भी इसके बाद सीधा ये वाली लाइन पे आप पहुंच जाओगे, तो चाहे आप इसको इस तरह से ले कॉमन लेके करो या आप इस तरह से वैल्यू पुट करो और तब कॉमन लो, और इस तरह से ये हो जाएगा। ओके, तो वेल ये आंसर है, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में इस प्रश्नावली का समापन होता है, अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली की शुरुआत होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।